ये है जेम्स हेनरी ट्रॉटर। वो समंदर के पास एक प्यारे से घर में अपने मम्मी डैडी के साथ रहता था। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। हवा कैंडल्स को बुझा दी, इससे पहले तुम इन्हें बुझा दो। हाँ, पर पहले एक विश करो। उनकी लाइफ बहुत बढ़िया थी। वो एक दूसरे के करीब थे और उनके कुछ सपने थे। लुक, वो क्लाउड एक कैमरे जैसा लगता है और वो वाला एक ट्रेन इंजन जैसा। और क्या तुम्हें दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग दिख रही है? मुझे नहीं दिख रही। इसे दूसरी तरह से देखकर देखो। देख गई। हम वही जा रहे हैं, एक बड़ी शिप में जो हमें ओशन के उस पार ले जाएगी और फिर हम सीधा उस बिल्डिंग के ऊपर जाएंगे। हम तीनों ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ मेरे जैसे और भी बच्चे हैं। हाँ, बहुत सारे। इट्स अ वंडरफुल प्लेस जेम्स, एक सिटी जहाँ सपने सच होते हैं। फिर एक दिन कुछ बहुत बुरा हुआ। सडनली कहीं से एक एंग्री राइनोसोरस आया और उसने जेम्स के बेचारे मम्मी डैडी को उससे छीन लिया। बिना किसी तकलीफ के वो दोनों इस दुनिया से चले गए। पर जेम्स की तकलीफें तो अभी शुरू हो रही थीं और अब वो यहाँ रहता है अपनी आंटी स्पॉन्ज। चलो उठो, शू लेजी बॉय। और आंटी स्पाइक के साथ। तुम पहले ही सुबह के 4 मिनट वेस्ट कर चुके हो। इसे देखो तो, अगर सपनों में ही खोए रहोगे तो इतना काम जो बाकी है वो कब करोगे तुम? ग्रास काटनी है, लकड़ी तोड़नी है। वाक, 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 वाक। कहां से आ गई हमारे रंग में भंग करने? मेरा परफ्यूम है कमाल का, मैं तो हूँ एक रोज से भी प्यारी। मेरी खूबसूरती है सबसे निराली, नाक है मेरी फूलों जैसी, मेरे बालों को देखो जो सिल्क जैसे सॉफ्ट हैं। निकाल दूं अगर मैं अपनी सॉक्स तो देखोगे मेरे पैर कितने सुंदर हैं। पर याद रखो माय डियर स्पॉन्ज, तुम्हारी टमी कितनी फनी है। आलसी तहीके, तुम्हें काम बंद करने को किसने कहा? मैंने लकड़ी तोड़ ली। एक ट्रैवल बुक,
तुमने यहाँ से जाने का सोचा कैसे? तुम जिंदगी भर यहीं पर पड़े रहोगे। वैसे भी कौन गले लगाना चाहेगा तुम जैसे बिना काम की मुसीबत को। तुम्हें ये कहाँ से मिला? Where? डैड ने दिया था, उन्होंने कहा था हम एक दिन वहाँ जाएंगे। Stupid, foolish man. जो सिर्फ सपने देखता था, इसीलिए तो वो मारा गया। और तुम्हारी माँ भी। कभी आंखें खोल के देखता तो जान पाता कि ये दुनिया क्या है। उसने उस राइनो को आते हुए देखा तक नहीं। वो राइनो। और वो मॉन्स्टर तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा इफ यू डोंट बिहेव। अब इन बेकार ड्रीम्स को अपने दिमाग से निकालो और वापस काम पर लगो। आराम से स्पॉन्जी, कहीं तुम्हारी ये फिगर बिगड़ ना जाए। ओह शट अप। यस, मैंने सारे काम खत्म कर लिए। क्या कोइंसिडेंस है, हमने सारा डिनर खत्म कर लिया। ओह स्पॉन्ज, ऐसा क्यों कहती हो? तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल वेट कर रहा है अवन में। मैं समझ रही हूँ, इसे शायद ये पसंद नहीं आया। तो क्या इस छोटू को फिश फ्राइड चाहिए? दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ, जाओ। कैसी हो दोस्त, तुम यहाँ कैसे आ गई? पता है तुम्हें इस विंडो में अपना जाल नहीं बनाना चाहिए था। स्पाइकर और स्पॉन्ज आंटी ने तुम्हें देख लिया तो उन्हें स्पाइडर से बहुत नफरत है, पर आज से मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। My name is James. That's what mother called me. My name is James. So it's always been. Sometimes I forget when I'm lonely or afraid. Then I'll go inside my head and look for James. Here's something I've never shown anyone. Good night, sweet dreams. Ah, spy
Oh, मारो इसे. No, wait. Spy. नहीं, मैं पकड़ता हूँ. मैं पकड़ता हूँ. मार दो. मार दो. मार दो. तुमने मेरे चेहरे पे मारा. तुमने मेरे चेहरे पे मारा. ओह प्लीज शट अप. चली जाओ यहाँ से. चली जाओ. तुम यहाँ से जितना दूर जा सकती हो चली जाओ. आई विश मैं भी जा सकता. तो प्रॉब्लम क्या है? डरने की जरूरत नहीं है जेम्स. मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा. आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तुम्हारे नाम से कहीं ज्यादा जानता हूँ. तुम क्या सोचते अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी हर प्रॉब्लम का आंसर मेरे पास है यहीं इस छोटे से बैग में. ये तो मेरा. ऑफ कोर्स वही है. आगे बढ़ो जेम्स. अंदर देखो. इन चीजों में इतना जादू है कि सारी दुनिया में नहीं होगा. पर ये है क्या? क्रोकोडाइल टंग्स. टंग्स? 1000 लंबी चिपचिपी क्रोकोडाइल टंग्स जिन्हें 20 दिन और 20 रात एक डेड विच के स्कल में बॉयल किया गया. और इसमें एक मंकी की उंगलियां, एक पिक की पिंक नोज, एक पैरट की बीक और 3 चम्मच शक्कर डाली गई है. 1 हफ्ता पकाया गया और फिर मोन ने बाकी का काम कर लिया. इन्हें ले लो और तुम्हारे साथ कमाल की चीजें होंगी. चीजें जो तुमने सपने में भी नहीं सोची होगी. लाइक व्हाट? वेल लाइक तुम्हारी हालत कभी खराब नहीं होगी. और तुम्हारी हालत खराब है ना जेम्स? तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था. और जिस जगह का सपना तुम देख रहे हो वो अब तुमसे ज्यादा दूर नहीं है. न्यूयॉर्क सिटी. और वो तुम्हारे और करीब आ जाएगी जैसे ही तुम अपना पहला स्टेप लोगे. पर कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. ये कुछ नहीं समझता पर सारे जवाब मिलेंगे यहाँ. और मैजिक है यहाँ पर. तो जेम्स क्या ख्याल है तुम्हारा? अब मेरी बात सुनो जेम्स. उन्हें खुद से दूर मत जाने देना क्योंकि अगर वो गए तो वो अपना मैजिक जिस किसी चीज या जिससे भी पहले मिलेंगे उस पर कर देंगे. समझ गए? गुड. सोने के लिए. मैं सो नहीं रहा था. गिर गया था. तुमने हमें उल्टा जवाब कैसे दिया? पीटो इसे स्पॉन्ज. सुबह सुबह नहीं. वेल, कम से कम तुम्हारा लक तुम्हारे काम आया लड़के. अब चलो अंदर और कपड़े बदलो. स्पाइकर देखो एक पीच. क्या कहा? एक पीच वहाँ उस ब्रांच पर. इस बेकार से ट्री पर आज तक एक पत्ता तक नहीं आया है. तुम नींद में हो. वेल, ये क्या है? वहाँ तो रियली एक पीच है. एक बढ़िया और बड़ा वाला. इसे तोड़ा कैसे जाए? ये लड़का. चलो अब अच्छे बच्चे बनो और अपनी प्यारी आंटी के लिए ये पीच तोड़ के लाओ. हम सब उसे खाएंगे. ऑफ कोर्स हम ही खाएंगे. हम दोनों, मैं और तुम्हारी आंट स्पाइक. चलो अब पेड़ पर चढ़ो. वेट. क्या हुआ? व्हाट? व्हाट? ये तो बढ़ रहा है. ये लड़का
नहीं, वो बीच यू इडियट। नीचे आओ, मुझे कुछ नहीं होगा। नीचे आओ। क्या पीछे? क्या पीछे? लुक स्पाइक, ये अभी भी बढ़ रहा है। मेरी भी आंखें डंबो पे देख सकती हूँ। जरा देखो तो, ये तो कमाल है। वाओ, क्या बात है। कमाल की चीजें होंगी, जैसे उन्होंने कहा था। तुम अपना मुंह बंद करो, इसका तुमसे कोई मतलब नहीं, इसके लिए तुम इसे दूर रहो। इसे स्मेल कर सकती हो, स्पाइकी कितना डिलीशियस है। नो, इससे हमें मिलेंगे पैसे। बीच को घूरना बंद करो, पैसे तैयार रखिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, तुम जा सकती हो। मैं इसे छू सकती हूँ? छूना है? तुम इसे छूना चाहती हो? हाँ, फिर यू से टेस्ट भी करना चाहेगी। तुम नहीं जा सकती, इस बच्ची के दिमाग में अजीब आइडियाज हैं। गो अवे, चले जाओ। ओह स्पॉन्ज, अब खींचो। एक और। यस बढ़िया। अब जाओ अंदर, कैमरा अलाउड नहीं है। जल्दी आगे बढ़िए लेडीज एंड जेंटलमैन। सॉरी फादर, आपको डबल देने होंगे। ऊपर वाला तुम्हें माफ। थैंक यू फादर। कम ऑन चिल्ड्रन, अभी नहीं तो कभी नहीं। यहू, नीचे आ जाओ। या ये स्पॉन्ज आंटी, क्या कपड़े पहने हैं। मैं बच्चों के साथ खेलना चाहता था। बच्चे तो चले गए, पर तुम उनके कचरे के साथ खेल सकते हो। कचरा। और हमारे बीच के पास जाने की सोचना भी मत। और अगर तुम वहाँ गए तो याद है ना, वो राइनो अभी तो पकड़ा नहीं गया। हो टेढ़ी टोपी, दिमाग चकरा रहा है, मुझे ताजी हवा खानी है। स्पाइकर और स्पॉन्ज से बच्चे का कोई प्लान छूटता है। प्लान कहाँ जाने का, हम मसले जाएंगे, मिस जाएंगे, मारे जाएंगे। तुम्हें कोई मसल नहीं सकता,
माय डियर बॉय, अब तुम 6 फीट लंबे। लेकिन चारा तो चारा ही होता है। अब आने दो किसी को भी, मुझे खा कर तो देखने दो। मैं सबसे तगड़ा हूँ, मैं सबसे तेज हूँ। मुसीबत दे स्पाइकर और स्पॉन्ज, उन्होंने मैं ढूंढ लिया। हेलो, ये तो घर में रहने वाला बच्चा है, इसका नाम है मास्टर। बेचारा, मुझे तो लगा इसका नाम मास्टर निकम्मा होगा। नहीं, ये तो इसकी आंट से इसे बुलाते हैं। इसका रियल नाम है ये है जेम्स। देखो तुमने क्या कर दिया मिस, इसने बुरी तरह डरा दिया। प्लीज मुझे खाना मत। कौन खा रहा है? ए, ग्लोबम, अपनी लाइट ऑन करो। मैं एक वेजिटेरियन हूँ। मैं मिट्टी खाता हूँ। तुम्हें कोई नहीं खाने वाला जेम्स। ना, वो तुम्हारा सर पंक्चर करके भेजा निकाल लेगी। वो मैं तुम्हारे साथ करूंगी। देखा कैसे उल्लू बनाया। ओह, ये पागल लोग भी ना, डरने की कोई बात नहीं है डेरी। पर आप सब बहुत बड़े हैं। बढ़िया है ना? हम सब बदल गए और साथ में तुम भी जेम्स। वो ओल्ड मैन जिन्होंने मुझे वो ग्रीन चीजें दी थी, उन्होंने कहा था कमाल की चीजें होंगी। क्या इसने कहा रुमाल की ब्रिजे होंगी? नो डियर लेडी, कमाल की चीजें होंगी। बेचारी ग्लोवर्म थोड़ा ऊंचा सुनती है। पर मैं ऊंचा नहीं, सब साफ सुनता हूँ। या वेल, अब इससे सुनो। चलो निकलने। तुम्हारा मतलब इस हिल से नहीं जा सकता, वो राइनो छोड़ेगा नहीं। राइनो? ओह रियली माय डियर बॉय, मैं इस बेकार से हिल पे कई सालों से रह रहा हूँ, यहाँ कोई राइनो वाइनो नहीं है। हाँ, पर स्पॉन्ज है, वो दिखने में राइनो से कम थोड़ी है, सही कहा ना? हाँ, डबल डेंजरस, भूत भी उसे देखकर डर जाएंगे। और तो और, मुझे अपने 300 बच्चों को सेफ जगहों पर भेजना पड़ा। तुम्हें लगता है इस तरह रॉक में दबे रहने में मजा आता है? मुझे तो मजे का मतलब तक नहीं पता। वो इसलिए कि तुम काफी देर से यहाँ अटके हुए हो। अब मेरी बात सुनो, एक ऐसी जगह है जहाँ तुम ऐश करोगे। Bright lights, big city, that's where we gotta go. Where the food is great and the bugs are so pretty. I'd like to get my arms around 100 or so. I'd hug them, squeeze them, hold them tight. Sleep all day, dance all night. I want the bright lights and the big city. That's the life for me, yeah. That's the life for me. You little maggot, have you never seen the moon? Gliding across the western sky, a dead oak tree by the waterside, putrid vapors rising. Well, that sounds lovely, dear. I'm sure we all agree, but I prefer the sunshine, a little park right in the center of the town. Flowers everywhere, children all around me. I'd love it. Landing on a baby's cheek so warm. It's wonderful, wonderful. That's the life for me. That's the life for me. That's the life, that's the life for me. Elegant conversation. Bright lights, big city. An elevated point of view. That's where I go. Intellectual stimulation. Yeah, maybe for you. And someone you love to share it with you. It would be wonderful, wonderful. That's the life for me. What a life! That's the life for me. There's no pile of dirt. That's the life. That's the life. अब टाइम है जरा ताथा तैयार करने का। जरा इस जगह को देखो, अभी भी गंदी है। कहाँ चला गया वो गंदा आलसी वर्म? वो दोनों मुझे कह रही है, हमारे पीच के पास मत जाना वरना। ओह प्लीज, उन्हें यहाँ आने मत दो। गड़बड़ हो गई, सेंटीपेड को देखते ही एक्स लेकर पीछे पड़ जाएंगी हमारे, जैसे मेरे भाई के पीछे पड़ी थी। फिर क्या हुआ? उसे बीच में से आधा कर दिया। अब मेरे दो जुड़वा भाई हैं। वो हमें सुन लेंगे। यूहू, कहाँ हो बच्चे? आई थिंक हमें एक राइनो की आवाज आ रही है।
अभी इनके होश ठिकाने लगाता हूँ। मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। हो गया। वो क्या था? रोलर कोस्टर का मजा लो। हमारी कार! हम पलट गए हैं। ये तो बचा कर दिया। जा, 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 शुरू हो जा। मुझे लगा तुम स्पाइडर हो। आउच, मुझे किसने मारा? आई एम सॉरी, मुझे लगा आप सेंटीपीड हो। ए ग्लोवर्म, अपनी लाइट ऑन करो। क्या कहा तुमने डियर? रुको, मैं लाइट ऑन करती हूँ। हेल्प हेल्प, कोई मुझे उठाएगा प्लीज? डोंट वरी, मैं आपको फिर से सीधा कर दूंगा। थैंक यू जेम्स। कहाँ जा रहे हो? हम कहाँ लैंड हुए हैं ये देखने के लिए। बढ़िया है ना? क्या क्या बढ़िया है बताओ ना, मुझे सस्पेंस पसंद नहीं है। हम लैंड हुए एक बड़े से, वो क्या कहते हैं, एक चौड़े से लेक में। दुनिया की सबसे बड़ी लेक में, यानी द अटलांटिक ओशन। टेक्निकली पैसिफिक ओशन ज्यादा बड़ा है। वेल, मेरा मतलब भी वही था। पर पास में कोई लैंड है क्या? नहीं, सिर्फ नीला आसमान और हर तरफ पानी। ये तुम्हारी गलती है। अगर मैं नहीं होता तो स्पाइक और स्पॉन्ज तुम्हें टॉर्चर कर रही होती। वो ग्रीन चीजों वाला ओल्ड मैन, क्या उसने बताया था हम कहाँ जाने वाले हैं? नो, उन्होंने सिर्फ कहा था कि सारे जवाब मिलेंगे यहाँ। मेरी ट्रेवल बुक, और देखो यहाँ बीच है। हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क, वहाँ मेरी डिमांड है। वाओ, वहाँ आपके लिए लीफ से भरा एक बड़ा पार्क है। सेंट्रल पार्क, और अंधेरे में छिपने की जगह भी है। नाइट क्लब, और म्यूजियम्स और कॉन्सर्ट्स, और स्पोर्ट्स स्टेडियम को भूलना मत। और मेरा क्या होगा? वहाँ पर कई किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड टनल्स हैं। द सबवे, डैड ने कहा था वो ऐसी जगह है जहाँ सपने पूरे होते हैं। दैट्स द लाइफ फॉर मी, 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 दैट्स द लाइफ, दैट्स द लाइफ, दैट्स द लाइफ, दैट्स द लाइफ फॉर मी। हम न्यूयॉर्क जाएंगे, पर हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? अरे मैं हूँ ना। तुम? हाँ, पांचों समंदरों की बहने है सैर की, देखा है धूप से तपता हुआ बोरा बोरा और बर्फ से जमा हुआ त्रिपली। कमांडर सेंटीपीड, मुझे कहते थे सभी साथ। समंदर साथ होते हैं और त्रिपली में गर्मी होती है। कमांडर, शिप रेडी करो,
कोई शिप नहीं है। इंजन स्टार्ट करो। कोई इंजन नहीं है। मैं इस बेकार क्रू के साथ काम नहीं कर सकता। ग्रेट, यही पड़े रहो जब तक ऊपर का टिकट नहीं कटता। ऐसा नहीं होगा। सुनकर अच्छा लगा। हमारे डूबने के ज्यादा चांसेस हैं। ओह नो, समझ गया, हम वो नहीं, ये एक स्टूपिड आइडिया है। इससे तो बेटर ही होगा। वेल, अगर हम उड़ पाते हैं। सही कहा, ये स्टूपिड है। वेल, ये कैसे होगा जेम्स? सीगल्स की हेल्प से, पर हमें धागे चाहिए। हाँ क्यों नहीं, आगे कॉर्नर पे हमें स्टेशनरी शॉप मिल जाएगा, वहीं से ले लेते हैं। मेरे पास धागे हैं, बहुत सारे धागे। और चाहिए चारा, बर्ड का चारा। बर्ड का चारा? समुद्र के बीचों बीच बर्ड का चारा वारा कहाँ मिल पाएगा यहाँ? ओह नो, नो नो, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे बर्ड से दूर रखो। डोंट वरी, मैं यही हूँ, अब हिलो। नहीं, वो नहीं आएंगे अगर तुम नहीं हिले तो। इसीलिए तो मैं बिल्कुल नहीं हिलने वाला। ये बात ये ठीक नहीं है, वो बर्ड मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। देखो ये कह रही है, नीचे खींचने के लिए रेडी रहो। इन्होंने मेरी आधी फैमिली खत्म कर दी थी। खींचो। काम बन गया, एक को पकड़ लिया। दांतों की आवाज आ रही है, भयानक था। वो एक राइनोसरस लगता है। ओशन के बीच में साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। मुझे भी कुछ सुनाई दे रहा है। वो तो ट्यूना फिश है, उन्हें कोई मशीन अंदर खींच रही है। क्या मतलब? तुम खुद देखो। वो एक चर्च शार्क है। शायद उसने हमें देख लिया है। अब हम क्या करें, क्या करें? वो सीगल्स, बस एक यही चांस है। फिर हमें सभी सीगल्स को पकड़ना पड़ेगा और इसमें काफी टाइम लगेगा। नेट के लिए स्पाइडर का जाल यूज करेंगे। हरी, मेरी तरफ फेंको डियरी। हिलो मिस्टर अर्थवर्म, हमारी लाइफ तुम पर डिपेंड है। कैसे हिलो? मैं तो वैसे ही हिला हुआ हूँ। आओ तुम्हें मैं हिला देता हूँ। आओ इसे दे जाओ अपना टेस्टी टेस्टी खाना। इसे दे जाओ। मैंने उन्हें पकड़ लिया, चलो धागा फेंको। थोड़ा जल्दी करो। अरे कितनी जल्दी करूं? मेरे पास सिर्फ 12 हाथ हैं। वो पास आ रहा है। सीगल, चलो यहाँ से। वो भाग गए हैं। ऊपर चलो जेम्स, अब उन्हें पकड़ो। मुझसे मत उलझो। कम ऑन सीगल्स, पूरी ताकत लगा दो। अब चलो पंख जल्दी फड़फड़ाओ। अच्छे शार्की, प्यारे शार्की। शार्की, Oh, my God.
जो लेता है पंगा वो फिर नहीं रहता चंगा। मैं हूँ मस्त बंदा। कमाल कर दिया, हर एक बग ने ब्रेवरी का बढ़िया नमूना दिखाया। वेल, तुमने देखा किस तरह लेडी बग ने अपनी जान पर खेलकर उन दो बदमाशों के 12 बजा दिए। वेल, वो बहुत रूड हो रहे थे और मुझे वो पसंद नहीं। हम कुछ भूल रहे हैं, हम जो भी कर पाए वो एक्चुअली प्लान था हमारे जेम्स का। ये लिए प्लान काम कर गया क्यों है ना? हमारे जेम्स के लिए 3 चीयर्स। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। न्यूयॉर्क, हम आ रहे हैं। जेम्स, ओह थैंक गुडनेस। तुम्हें ऐसे हर वक्त डरते हुए नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं? तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। जब मुझे प्रॉब्लम थी तो मॉम डैड मुझे उसे एक अलग तरह से देखने को कहते। कैसे? पहले मैं बर्ड का चारा था, फिर मैं शार्क का चारा बना। समझता हूँ, तुम ऐसा सोचो कि हम तुम्हारी वजह से उड़ पाए और एक जायंट शार्क को हरा पाए सिर्फ तुम्हारी वजह से। बात तो सही है। वही तो, तुम एक हीरो हो। रियली? मैं एक वंडर वर्म हूँ। बिल्कुल। खाना चाहिए, खाना। तुम जानते भी हो हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं तुम एक कंपास के बिना नेविगेट कैसे कर रहे हो। यहाँ बड़ी गर्मी है, मैं पक गया हूँ। उस बर्ड को छोड़ दो। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। शायद मेरे पर्स में थोड़ी सी ब्रेड पड़ी हुई है, वो कहाँ है? खाना? ज्यादा नहीं है पर कम से कम। ये मुझे दो। ए! मैं भूखा नहीं रह सकता क्योंकि मुझे एसिडिटी हो जाती। छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? मेरा कोट छोड़ दो। इसे मुझे दे दो। उसे दे दो। पीछे उतरो। सुन लो, ये मेरा है। वापस दो। देखा तुमने क्या कर दिया? हम भूखे मर जाएंगे। हम तो गए सीधे ऊपर। ओह नो, और हमें टिकट कटवाने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। बिना टिकट, बिना पास, बिना बुकिंग, कोई भी भूखा नहीं रहने वाला। जरा देखो तो, हमारे पास इतना खाना है कि हम सबका पेट भर जाए। खाना कहाँ है? खाना मेरी किस्मत में खाना है। हमारा पूरा शिप खाने से बना है। ओह, ये बच्चा कितना स्मार्ट है। मेरे साथ जो है। रहने दो, उसने स्मार्ट कहा, इडियट नहीं। डिलिशियस। छोटे कीड़ों से भी अच्छा है। लेडी बग से भी अच्छा। व्हाट? सॉरी, ये मिट्टी तो नहीं है पर काफी अच्छा है। सिर्फ अच्छा? अरे मैंने इससे अच्छा आज तक नहीं खाया। अच्छा नहीं, सबसे अच्छा कहो। I've eaten many strange and scrumptious dishes in my time, like chilied bugs and curried slugs and earwigs cooked in slime. And mice with rice is very nice when they're roasted in their prime. But don't forget to sprinkle them with just a pinch of grime. I'm crazy about mosquitoes on a piece of butter toast, and pickled spines of porcupines, and then a great big roast, and dragon's flesh, quite old, not fresh, it costs a buck at most. Does it come with gravy? It comes to you in barrels if you order it by post. It comes to you in barrels if you order it by post.
for dinner on my birthday? Shall I tell you what I chose? Hot noodles made of poodles on a slice of garden hose. And a rather smelly jelly made of armadillo's toes. The jelly is delicious, but you have to hold your nose. I spread the tasty tentacles of octopi for tea. I like hot dogs, but I love hot drops, and surely you'll agree. A plate of soil with engine oil's a super recipe. Recipe. I hardly need to mention that it's practically free. Now comes my fellow travelers, the burden of my speech. You shut off. These foods are rare beyond compare, and some right out of reach. Nice aim, Commodore. But there's no doubt I'd go without a million plates of each. Out of my face. For one small mite. One small mite. One tiny bite. Tiny bite of this fantastic तुम अकेली रहती हो, है ना? हाँ, मैं अपने में खुश हूँ. मैं भी कभी अकेला हुआ करता था. आई थिंक फ्रेंड्स के साथ होना अच्छा होता है, क्या कहती हो? ये मुझे नहीं पता. वो तुम्हारे भी दोस्त बनेंगे, मेरा मतलब बाकी लोग, तुम बनाना चाहो तो. नहीं, उन्हें मुझसे बहुत डर लगता है, मैं कुछ नहीं कर सकती. तुमने बहुत संभाला है मुझे. शायद इसलिए क्योंकि पहले तुम भी मेरे साथ अच्छे थे. तुम मेरे विंडो में तुम ही थी. तुम मेरी पहली फ्रेंड थी. आई मीन जब से मैं अपनी आर्ट्स के साथ हूँ, उन्हें मुझसे नफरत है. अब उनके बारे में मत सोचो. उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो, अगर हम न्यूयॉर्क नहीं पहुँच पाए तो, मुझे पहले जैसा रहना पड़ा तो ये बहुत ही बुरा होगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर तुम्हारा इरादा पक्का हो जेम्स, तो ऐसा नहीं होगा. तुम बहुत ब्रेव हो. अब सो जाओ. मुझे यकीन है तुम थक गए होगे. बदमाश अपने गंदे मुंह से हमारा पीछ खा रहा है. उसे पकड़ो स्पॉन्ज. तुम हमसे बचकर भाग नहीं सकते. Huh?
ये क्या बकवास है? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बेकार रद्दी कम भेजे वाले। सेम टू यू। यू सर, हम कहाँ हैं? ये क्या हो रहा है? मैंने इस टोपी वाले पतले कीड़े को खराटे लेते हुए देखा। हम भटक गए हैं। हम भटके नहीं हैं। तो हम कहाँ हैं? कहीं नॉर्थ में या फिर कुछ ज्यादा ही साउथ में। तुम्हारा लैटिट्यूड बताओ और लॉन्जिट्यूड क्या है? ए, 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 पर्सनल बात मत पूछो। तुमने कहा था तुम्हें नेविगेशन आता है। तुमने तो कहा था दुनिया घूमे हो। तुमने कहा था तुम बोरा बोरा गए हो। वो बोरा बोरा के पास था। और ट्रिपली के किनारों का क्या हुआ? मैंने कहा था ट्रिपली मेरा मतलब था मेरे घर के पास की गली। तुमने ऐसा कहा? बताने तुम इतना झूठ कैसे बोलते हो? झूठ नंबर वन। रुको, अगर उसने कहा कि उसने दुनिया देखी है तो देखी है ना मिस्टर सेंटीपेड, है ना? वैसे मैं नेशनल ज्योग्राफिक बुक के दो पेजेस के बीच में रहा करता था। हाँ, उसमें क्या क्या लिखा था? कमाल की बुक थी, क्या फोटोज थी। तुम बहुत बड़े झूठे हो, धोखेबाज, इडियट। इतनी हिम्मत है तो फिर आ जाओ सामने, आ जाओ हीरो, मुझसे लड़ो। कम ऑन, देखा क्या करते हो। इसने तो जमा दिया। देखा उसने बिना साबुन के मुझे कैसे धोया। तुम इसी लायक हो। अब हम क्या करेंगे, किस तरफ जाएंगे? ओ, ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें अपने कोऑर्डिनेट्स पता लगाने होंगे, फिर ट्रायंगुलेशन यूज करके सीधा न्यूयॉर्क निकल जाएंगे। यानी पहुंच सकते हैं? बकवास मत करो। हम वहां नहीं पहुंच सकते, हमारे पास कंपास नहीं है। हम न्यूयॉर्क नहीं पहुंचेंगे, हम यहीं अटके रहेंगे। अब हम जिंदा ही आइसक्रीम बन जाएंगे। नहीं, कुल्फी बन जाओगे मुन्ना। छुपने की अंधेरी जगह नहीं, पार्क में गर्मा गर्म पत्ते नहीं वो सिटी नहीं जहाँ ड्रीम्स पूरे होते हो। उन शिप्स में कंपासेस नहीं होंगे? जरूर होंगे, पर उस बर्फीले पानी में तैरने का मतलब है मारे जाना। एक बेवकूफी अंदर जा सकता है। सेंटीपीड पानी में कूद गया। गुड हेवंस, वो तो सुसाइड कर रहा है। ये सब मेरी वजह से हुआ। सारा क्रेडिट खुद मत लो, मैंने भी हेल्प की थी। मुझे उसे बचाना होगा। ये बिल्कुल मत करना, ठंड से तुम्हारी कुल्फी जम जाएगी। पर वो मेरा दोस्त है। जेम्स ने सही कहा, सेंटीपीड हमारा साथी है। मुझ पर बैठ जाओ, हम साथ चलेंगे। याद रहे उसका अच्छे से ख्याल रखना। प्रॉमिस करती हूँ। अब इसे पकड़िए, जब हम थोड़ा खींचे ऊपर उठा लेना। जरूरत है कैप्टन। थैंक यू सर। अब मैं 9:11। बैंड चाहिए तो गांव में जाए। मुझे मिल गया।
मुसीबत है। पुल करने को रेडी? तुमसे एक सवाल पूछूं, धरती वाले पानी क्यों नहीं पीते? क्योंकि पानी बाहर निकल जाता है। तुम ठीक हो? सेंटीपीड को क्या हुआ? उसने हमारे लिए कंपास ढूंढा। और सारे पायरेट्स भी। इसे पकड़ो, मैं वापस जाती हूँ। पर जरा संभाल के मिस स्पाइडर। बेचारा सेंटीपीड। उसने नीचे हमारी जान बचाई। संभाल के मिस स्पाइडर। छोटी टोपी गई, बड़ी आ गई। सेंटीपीड, समझ में नहीं आता, शुड आई किल यू और किस यू? I'm so sorry. हमें माफ कर दे। मैं बस सॉरी कह रहा। मुझे बस कहना था कि मैं कहना चाहता हूँ वो बहुत बकबक हो गई। अब चलो। हेलो, ये कंपास रेडी है। मिस्टर सेंटीपीड, क्या तुम हमें इस बर्फ के ढेर से निकालने का काम अपने हाथों में लोगे? पूरे 12 हाथों में। मुझे लगता है कि हमारी पोजीशन की तुम्हारी ब्रेवरी की दाद देती हूँ मिस स्पाइडर, पूरे दिल से। थैंक यू मिसेस लेडीबग। तो अब सब सुनो, बहुत हो गया टाइम पास। आई होप कि अब से ना कोई फिक्र ना कोई चिंता की बात होगी मिस्टर सेंटीपीड। ये हुई ना बात मिस्टर ग्रास हॉपर। ओ बॉय, काश थोड़ी मसाला चाय मिल जाती। जागो मोहन प्यारे। सुनो मिस्टर नेविगेटर, तुम थोड़ी देर आराम कर सकते हो। ये काम तो मैं ही करूंगा, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। इज्जत का सवाल है। सो जाओ मोहन प्यारे। थैंक्स मिस्टर ग्रासहॉपर। सॉरी जेम्स, क्या हमने तुम्हें डिस्टर्ब किया? सो सॉरी, हम इसे अंदर रख देते। नो, मुझे पसंद है। मैं इसे अपने आंट्स के घर में सुना करता था सोने से पहले। वो आप ही थे है ना? या फिर सारे ग्रास ऑपर्स म्यूजिक बजाते हैं क्या? बाकी सारे बस ट्राई करते हैं। आई एम श्योर तुमने ये सुना होगा। बेकार था ना, क्रिकेट ऐसे बजाते हैं, म्यूजिक सोल की आवाज होती है। इसका क्या मतलब है? मतलब जब मैं खुश होता हूँ मेरा म्यूजिक कुछ ऐसा होता है। और जब दुखी होता हूँ तो ऐसा होता है। जब मैं दुखी होता तो मैं मॉम डैड के साथ बेड पर सो जाता था, पर वो काफी पहले की बात है। आई एम श्योर उन्हें तुम पर बहुत नाज होगा जैसे हमें है। Take a little time.
Just look at where we are. We've come very, very far together. And if I might say so. And if I might say so too. We wouldn't have got anywhere if it weren't for you, boy. Love is the sweetest thing. Love never comes just when you think it will. Love is the way we feel for you. We're family. All of us. And you. Think of where we'd be if we were on our own. We'd be dead. You're what holds us all together. Oh, yeah? And if I might say so. And if we might say so too. We never could love anyone as much as we love you. Love is the strangest thing. Love does exactly what it wants to do. Love. Boy, you know it's true. We're family. Me and you. Ashes to ashes and dust to dust. Without you, there'd be no us. Love is the sweetest thing. Love does exactly what it wants to do. Love is the way we feel for you. हमेशा साथ रहेंगे, है ना? बच्चे, हम चिपकू लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। देखो सब लोग, हम पहुंच गए। रियली? न्यूयॉर्क सिटी। क्या बात है? वाह! कितना सुंदर है। उस पार्क को देखो। कमाल है। हम पहुंच गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो देखो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। मुझे गंदी मिट्टी की खुशबू आ रही है। है ना बहुत ब्यूटीफुल। दी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। वो लाइट्स देखी? वाह! वाह! ऐश हो गई जिमी। बहुत अच्छे जेम्स। सिटी को हमारा इंतजार है। अब याद रहे जेम्स, पहला इम्प्रेशन बहुत जरूरी होता है। चले जाएंगे और सीधा न्यू जर्सी पहुंच जाएंगे। कहीं ये वो नहीं हो सकता। ये तो राइनो है। ओह जेम्स, कुछ तो करो। सब लोग जितनी जल्दी हो सके ऊपर चढ़ जाओ। हरी जेम्स, क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे? नहीं, वो मेरे मॉम डैड को ले गया था, पर मेरे फ्रेंड्स को नहीं ले जा सकेगा। तो मैं तो सामने आकर अपना चेहरा दिखाऊं, मॉन्स्टर। हमारे अब खैर नहीं। मैं तुमसे नहीं डरता।
मिस स्पाइडर, मिस्टर ग्रास हॉपर, हेलो, कोई है यहाँ? अजीब बात है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कहाँ पर है? ये क्या हो? एक लड़का? मेबल, यहाँ ऊपर एक बड़ा सा अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है। दिखने में कैसा है? राउंड ऑरेंज है, अब वो दिखने में बड़े फ्रूट जैसा लगता है। वो है क्या? मैं नहीं जानता वो क्या है। तुम यहाँ न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी क्रेन भेज दो। स्टेट बिल्डिंग किस तरफ है? तुम उसके ऊपर बैठे हो बच्चे। वी मेड इट। वेल ओनली आई मेड इट। डोंट वरी। क्या आपने कुछ बड़े इंसेक्ट्स को देखा है? बड़े इंसेक्ट्स? कितने बड़े? आई होप वो ठीक हो। कम ऑन, पीछे हटो, पीछे हटो। डोंट वरी के, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कम ऑन बेटा, घबराओ मत, हम लोग आ गए। उन ट्रक से दूर रहना। सर, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। क्या चीज है? कहाँ से आए हो? क्यों आए हो? फिर शुरू हो गए तुम लोग। दिखता नहीं कि एक बच्चा है? इट्स ओके लिटिल गाय, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। थैंक यू जो आपने हमारे खोए हुए बच्चे का ख्याल रखा। कौन हो तुम? हम इस बच्चे के लीगल गार्डियंस हैं। तुम्हें कितना मिस किया। तो अब हम इसे घर ले जाते हैं। और पीच को भी, उसे भी ले जाते हैं। रुको 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 रुको, जरा एक मिनट। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये चीज एक पीच है? ये कोई पीच नहीं, हमारा पीच हमारा है। पीच। बताओ स्पंजे।
लगता है ये इन्हीं का पीछे यस और नाज है हमें इस पर रिकॉर्ड बुक्स में आ जाएंगे। ये उनका पीछ नहीं, उस ओल्ड मैन ने ग्रीन चीजें मुझे दी थी तभी इतना बड़ा हुआ। तुमने हमारी बात को काटा कैसे? पेशेंस सिस्टर, तुम उसका जरा हाल तो देखो। क्या कहना चाहती हैं? ये बहुत बड़ा झूठा है। क्या करें, इसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसलिए हम इसे घर ले जाने के लिए आए हैं। चलो हमारे पास आ जाओ। ए लोवीन, मैंने झूठ बोल रहा वो बोल रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं ऑफिसर, अच्छा होगा अगर आप जल्दी इसे हमारे हवाले कर दें। बच्चे को बोलने दो। ऑल राइट, चलो इसकी जड़ तक पहुंचा जाए। ये चीज एक पीच है तो ठीक है, मैं मानता हूँ। अब क्या कोई मुझे बताएगा कि ये यहाँ पर कैसे आया? उसे सो सीगल से जोड़कर यहाँ लाए। सीगल? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं और मिस स्पाइडर और सेंटीपीड और ओल्ड ग्रीन ग्रास हॉपर ने ये पागल हो गया है। इसने सपने में ही देखा होगा ये सब कुछ। वेल, मे बी ये इस तरह स्टार्ट हुआ, सपने जैसा, पर सपने भी तो सच होते है ना। वो बिल्डिंग्स, ये लाइट्स, ये पूरी सिटी, किसी ने तो पहले इसका सपना देखा होगा। और ये बात भी एक सच है कि मैंने यहाँ आने का सपना देखा और फिर आ ही गया। बेचारे बच्चे को उसकी मेडिसिन चाहिए। यस, तो हम इसे ले जाते हैं और पीछ को भी हमारे प्यारे से घर में जो हिल पर बना है। कम अलोंग, तुम्हें हमारे साथ घर चलना है। नो आई एम नॉट। क्या कहा तुमने? मैंने कहा नो आई एम नॉट। मुझे उस घर और उस रूम से नफरत है, मैं वहाँ हमेशा भूखा रहता था। ऑलराइट, बहुत हो गया। और आप मुझे मारती थी। ये झूठा है। और कहा था कि मैं बेकार हूँ। शट अप। नो, नॉट दिस टाइम। मैं जायंट बीच में ओशन के ऊपर उड़कर आया। मैं वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग पर लैंड हुआ। आई मेड इट। और हाँ, मैं बेकार नहीं, आप दोनों हो। और मैं कभी आपके साथ वापस नहीं जाऊंगा, ना मैं ना ये पीच। इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? जेम्स, ऊपर देखो। हेलो, हम आ गए। हे बनी, ये कौन है? बेटा जेम्स। हे जिमी। बग्स, मैं आ गया और सब पर छा गया। जैक, बग्स। हे तुम फिर से। हे बग्स, हम आ गए जिमी। हेलो जेम्स, देखा मैंने कहा था वो रियल है। हेलो मेरे बच्चे, हम लैंड करने के लिए रेडी हैं। स्पाइडर, नीचे एक धागा फेंको। ओके, उन्हें ऊपर खींचो। हमें कहाँ ले जा रहे हो? उन्हें अब घुमाओ। पुलिस के रैप कर दो। वेल, ये जो भी हो, बच्चा बिल्कुल सच कह रहा था। उन दोनों को यहाँ से दूर करो। ब्रेकिंग न्यूज मिली है, सब हैरान हो जाएंगे। बिग बग्स इन द बिग एप्पल। बोल्ड लेटर्स में छापना, लिटिल किड फ्लाइज जायंट पीच। हाफ पैंट वाला हीरो और उसके छोटे बड़े दोस्त। सब लोग सुनिए, ये मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके बारे में मैं बता रहा था। मिस्टर सेंटीपीड, ग्रीन ग्रास हॉपर, अर्थवर्म,
मिसेस लेडीबर्ग। हेलो, मिस स्पाइडर एंड द क्लोवर, आपसे मिलकर खुशी हुई। हम ये पीच खा सकते हैं? हाँ, आ जाओ और खा जाओ। हाँ, आ जाओ। और सभी बच्चे पीच को पूरी तरह चट कर गए और बचे हुए हिस्से से सेंट्रल पार्क में एक परमानेंट घर बना लिया। और जेम्स हेनरी ट्रॉटर, जो कि एक समय में सबसे दुखी और सबसे अकेला लड़का था, उसकी अब एक प्यारी सी नई फैमिली थी और सारी दुनिया उसकी दोस्त। जेम्स, डिनर तैयार है। ऑल राइट, बस हो ही गया। और फिर हम सीगल्स को लेके। और क्योंकि जेम्स के घर आने वाले बार बार जायंट पीच के साथ उसके एडवेंचर की कहानी सुनना चाहते थे, तो वो विश करता कि वो किसी तरह उन्हें सब कुछ बता सके। तो उसने एक तरीका निकाला जो अभी अभी आपने देखा। There was a vulture and a hawk living in a house up on a hill. Had this little boy who lived with them, and they worked him like a dog. With any luck, they'd have him up there still. Along came a magic man with a magic bag full of nasty little green things in a funky old rag. He said, "Boy, you may not know it, but this here's salvation, you see. Son, you're going down in history." Knocking on your door. Good news is coming round the corner. Good news roll around your floor. Where can all my troubles be? Must be good news chasing me. Good enough to set everybody free. Good news, good news, good news. There were bugs in the garden, didn't have a clue, but every day their life was on the line. They wanted to get out of there, but they didn't know what to do. Their little brains was working overtime. That all changed one sunny day. That little boy dropped by to say, about each other. Good news is sweeping across the country. Good news is spreading all around. Good news is hitting in the city. Good news has sprung up in the town. Trend.